जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के 10वें ज्योतिर्लिंग यानी कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा की हम बात करने जा रहे हैं। यदि आप नासिक त्र्यंबकेश्वर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे दर्शन करना है, नासिक के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कहाँ पे हमारा पंचवटी है और पंचवटी में हमारे कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उसकी भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगने वाला महाकुंभ का आयोजन जो होता है, वो कुंभ हमारे किस गोदावरी घाट पर लगती है, हमको नासिक कैसे पहुंचना है, नासिक में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ नासिक में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए हमको कौन सा बेस्ट टाइम होगा विजिट करने के लिए और हमको कितने दिन की ये पूरी यात्रा बनानी चाहिए, और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि इस नासिक त्र्यंबकेश्वर यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे जिससे आपको नासिक त्र्यंबकेश्वर यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचना है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर आने के लिए बेसिकली आपके पास दो बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के प्रमुख राज्य से प्रमुख शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे। नासिक रोड रेलवे स्टेशन आपका प्रॉपर नासिक में पड़ता है, यहाँ आप उतर जाइए। नासिक रोड से आपको बस मिलती है, शेयरिंग टैक्सी मिलती है, सुमो मिलती है, इसके द्वारा आप पहुंच सकते हैं त्र्यंबकेश्वर। नासिक रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर की जो दूरी है वो लगभग आपकी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है, जो कि आपका लगभग सवा घंटे में आप पहुंच जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। अगर मैं बात करूं कि यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो दोस्तों बस वाला आपका 40 से 50 रुपए पर पर्सन कॉस्ट लेगा और आपको वो त्र्यंबकेश्वर के पार्किंग एरिया पे छोड़ देगा। वही अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो उनका चार्ज 270 रुपए 80 रुपए होता है और आपको वो नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आपको त्र्यंबकेश्वर ड्रॉप कर देंगे। तो ये ऑप्शन था दोस्तों आपका पहला कि यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं। दूसरे विकल्प की अगर बात करें वो आपका बाई फ्लाइट। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो तो है नासिक में ही, लेकिन हो सकता है कि नासिक के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट देखने को ना मिले आपके शहरों से, तो आप आ सकते हैं मुंबई के एयरपोर्ट या फिर दूसरा आप आ सकते हैं बड़ा एयरपोर्ट यानी कि पुणे का एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट से आप बाई रोड डिस्टेंस तय करके नासिक पहुंचकर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमारा साधन क्या होगा, हमको नासिक कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम नासिक त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं, अब हमको वहां स्टे कहां लेना चाहिए। दोस्तों नासिक त्र्यंबकेश्वर में स्टे करने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन फिर से आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका गजानन स्वामी जी का ट्रस्ट। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर जो टेंपल है, टेंपल से दोस्तों आधा किलोमीटर पहले अगर आप आते हैं तो वहां पे आपको श्री गजानन स्वामी महाराज जी का ट्रस्ट देखने को मिलेगा। इस ट्रस्ट में दोस्तों आपको डॉर्मेट्री भी मिलती है, डबल बेड भी मिलते हैं और आपको यहाँ पे फैमिली रूम भी मिलते हैं। रूम की अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली आपका 400 रुपए होता है और आप यहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। वही अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपका 250 रुपए प्रति व्यक्ति होता है 24 घंटे का, और आप वहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। आपको अलग से क्लॉक रूम भी दे दिया जाएगा यदि आप डॉर्मेट्री लेते हैं। तो श्री गजानन स्वामी महाराज जी का जो मेन मंदिर है वो आपका शेगांव में पड़ता है, जो कि आपका बुलडाड़ा जिले में स्थित है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बना रखी है। लेकिन अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करने जा रहे हैं तो आप श्री गजानन स्वामी ट्रस्ट के संस्थान में आप जरूर स्टे बनाइएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों खाने पीने की बंदोबस्त होती है, जो कि आपका 35 रुपए में भरपेट आपको थाली प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपका गजानन स्वामी जी का रूम सर्विस होता है, यहाँ पे आप स्टे ले लीजिए। वही अगर बात की जाए तो मंदिर के आसपास अगर आप रुकना चाहते हैं तो दोस्तों मंदिर के आसपास भी आप वहाँ अपना स्टे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके चार्ज थोड़े से ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब है कि 2000 रुपए 1500 रुपए से लेके 2000 2500 3000 तक के रूम आपको देखने को मिलेंगे यदि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास आप अपना स्टे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको त्र्यंबकेश्वर धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई खान पान की समस्या नहीं होगी, आपको इजिली वहाँ खाने प्रोवाइड हो जाएंगे। 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए से आपको थाली स्टार्ट हो जाएगी और आप भर पेट अपना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि हमारे भोलेनाथ के दर्शन हमको कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने से पहले सबसे पहले आपको लाइन में लगना होगा, जो कि आपका पूरब द्वार में, यहाँ पे नासिक के टोटल 4 द्वार हैं, लेकिन आपको पूर्वी द्वार से आपको यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों पहले जो मंदिर था उसको काफी ज्यादा निर्माण कर दिया गया और काफी वेल मेंटेन किया, हमारा प्रांगण बना दिया गया है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप लाइन में लगिए, हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए आप लाइन में लगिए। अब यहाँ पे बात किया जाए कि लाइन में आपको कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं, यानी कि अगर आप महाशिवरात्रि, सावन का महीना, न्यू ईयर का, ये तीनों पर्व छोड़ के आते हैं, तो आपको मान के चलिए कि घंटा से 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे हमारे भोलेनाथ के। लेकिन अगर आप सावन में आते हैं, महाशिवरात्रि में आते हैं या फिर अगर आप न्यू ईयर के टाइम पीरियड में आते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि आपको
5 घंटे अधिकतम आपको समय लगेंगे इस दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए आपको पूरा प्रॉपर रेलिंग बनाई गई है, पूरा आपको वातानुकूलित दर्शन क्यू लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वॉशरूम की भी फैसिलिटी मिलती है, आपको वाटर कूलर की भी फैसिलिटी मिलती है। तो सभी तरीके की फैसिलिटी हमारे ट्रस्ट के द्वारा दी गई है, जो कि त्र्यंबकेश्वर देवस्थानम की तरफ से ये सुविधा मुहैया कराया गया। तो दोस्तों हर हर महादेव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए आप धीरे धीरे लाइन से आगे बढ़िए। यहाँ आप जाइए, भोलेनाथ के आप दर्शन कीजिए। मैं अंदर का आपको भोलेनाथ की ज्योति नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा वर्जित था। तो जाइए आप दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, मत्थे टेकिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। दोस्तों मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे आप, वहाँ आसपास में और भी मंदिर है, उनके भी आप दर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और वहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा, तो प्रसाद के भी आप पैकेट ले सकते हैं, जो कि आपको भोग लगा प्रसाद वहाँ का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग करने के पश्चात अब हम चल पड़ते हैं अपने नासिक के साइड सीन के लिए। चलिए दोस्तों नासिक के साइड सीन करने से पहले ये जान लेते हैं कि नासिक त्र्यंबकेश्वर यात्रा करने के लिए हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप शालीनता पूर्वक घूमना चाहते हैं, यदि आपके पास समय का अभाव नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 night 2 days का ट्रिप बनाना चाहिए और आप आराम से सभी चीजों को कर लेंगे। और अगर आपके पास समय का अभाव है और आप एक ही दिन में दर्शन करना चाहते हैं और नासिक भी घूमना चाहते हैं, तो आपको अर्ली मॉर्निंग त्र्यंबकेश्वर आना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर के आप पहले दर्शन कीजिए और उसके पश्चात आप नासिक के साइड सीन करके आप अपने रेलवे स्टेशन चले जाइए या फिर आप बस स्टैंड से अपने अपने प्रस्थान ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 day में भी आपको नासिक त्र्यंबकेश्वर घूमा जा सकता है, लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, तभी आपका ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज आप स्टे लेना चाहते हैं 1 night का, तो आप 1 night स्टे लीजिए। एक दिन आप त्र्यंबकेश्वर घूमिए, वहां आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और अगले दिन आप नासिक के साइड सीनिंग करके आप अपना ड्रॉप ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम नासिक के साइड सीनिंग के लिए कि नासिक में हमको क्या क्या साइड सीनिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों नासिक का सर्वप्रथम साइड सीनिंग जो आता है वो आता है आपका मुक्तिधाम टेम्पल। नासिक का एक अगला साइड सीनिंग आता है जो कि है आपका मुक्तिधाम मंदिर, जो कि नासिक सिटी से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मेरे पीछे यहाँ पे मुक्तिधाम मंदिर है, यहाँ पे आप आएंगे सबसे पहले आपको जूते चप्पल का काउंटर मिलेगा, वहाँ अपने जूते चप्पल सबमिट कीजिए और उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा और यहाँ आके आप दर्शन कीजिए। और इसके अंदर आपको बिरला मंदिर भी देखने को मिलेंगे, तो उनके भी जाके आप चरण स्पर्श कीजिए और इसके बाद निकलिए आप अगले साइड सीन की तरफ। मुक्तिधाम मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का आपको दृश्य नहीं दिखा सकता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीन की तरफ, जो है आपका पंचवटी। चलिए पंचवटी की हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने रामकुंड से। अभी इस टाइम पे नासिक के अगले दर्शनीय स्थल पर आया हूँ, जो कि ये है रामघाट। दोस्तों ये नासिक का वो स्थान है जहाँ पे एक्चुअली ये गोदावरी नदी का घाट है और जहाँ पे महाकुंभ लगता है, तो वो इसी घाट पे लगता है जो कि रामघाट कहलाता है। यहाँ पे एक्चुअली गोदावरी नदी पे आरती भी होती है, जिसको आप गंगा आरती कह सकते हैं या गोदावरी नदी की आरती कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आइए, खूबसूरत सा ये लोकेशन है और यहाँ पे आपके एक दो मंदिर भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनके भी दर्शन कीजिए। रामकुंड के समीप ही दोस्तों एक और यहाँ पे मंदिर है जो कि भोलेनाथ का है, जिसको आरो शंकर मंदिर बोला जाता है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यानी कि कहा जाता है कि ये 12वीं या 13वीं सदी का मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, यहाँ पे इनकी ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पे आइए आप दर्शन कीजिए। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है, आपको एकदम कहना चाहिए कि सब चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पे आइए दर्शन कीजिए और बढ़ चलिए आप अपने अगले स्थान की तरफ। चलिए दोस्त आरो शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात हम निकलते हैं अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि आपका कलाराम मंदिर। दोस्तों ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आप आइए। यहाँ इस मंदिर में दोस्तों आपको श्री राम जी के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। इस मंदिर में भी दोस्तों आपको थोड़ा सा क्यू लगना पड़ेगा, जय हनुमान जय सिया राम कहते हुए आप लाइन में लगिए और आप यहाँ भी जाइए दर्शन कीजिए। मैं किसी भी मंदिर के अंदर का आपको फोटो वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा वर्जित था। तो आप कलाराम मंदिर में भी जाइए, यहाँ पे भी आपको आधे से एक घंटे लगेंगे दर्शन करने में। और इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आप और निकल पड़िए अपने अगले प्राचीन मंदिर की तरफ, जो कि है आपका कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर। दोस्तों कपालेश्वर महादेव जी के मंदिर में आपको थोड़ा सा लाइन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर का जो प्रांगण है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ पे आपके दुकान के कारण लाइन जो हमारी बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे भी जाइए और यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ भी आपको कम से कम दोस्तों आधे घंटे 45 मिनट लगेंगे, इनके भी दर्शन कीजिए। यहाँ हमारे महादेव है, मत्थे टेकिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए आप मंदिर प्रांगण से बाहर आइए और निकल पड़िए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका सीता गुफा। दोस्तों सीता गुफा हालांकि उस टाइम पे मैं गया था तब वहाँ पे बंद था, क्योंकि उस समय पे वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, लेकिन आप जाते हैं तो सीता गुफा भी अवश्य जाइएगा, जहाँ पे रावण ने सीता माता जी को हरण करके उसी गुफा में छुपाया था, इसलिए उसका नाम सीता गुफा कहा गया है। तो दोस्तों वहाँ भी जाके आप दर्शन कीजिएगा सीता माता के, कि वो कौन सी गुफा है। चलिए आइए अब अंतिम हम और एक स्पॉट पर लेके जाते हैं, जो कि हमारे 12 साल में एक बार हमारा कुंभ लगता है और वो स्थान है नासिक का महाकुंभ। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे नासिक का महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, इस गोदावरी नदी के तट पर, या फिर ये कह लीजिए कि गंगा नदी
के तट पर। यहाँ पे दोस्तों आपकी कुंभ मेला का भव्य आयोजन किया जाता है, काफी ज्यादा क्राउड यहाँ पे होती है जब यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे, ये सावन का महीना का वीडियो है, तो भी यहाँ पे आपको क्राउड ज्यादा ही देखने को मिलेगा। लोग आते हैं इस गोदावरी नदी पे, स्नान करते हैं, जल अर्पण करते हैं और हर हर गंगे हर हर महादेव का जोर जोर से नारे लगाते हुए अपनी वो यात्रा को सफल सुगत बना के अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों इस स्थान पर भी आप अवश्य आइएगा और यहाँ पे भी आप आके जरूर स्नान कीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि इस नासिक की यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि आप वन नाइट का स्टे बनाते हैं और आप बजट होटल में रुकते हैं, बजट होटल में खान पान करते हैं और आप एक दिन आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं और उसके अगले दिन आप नासिक के साइट सीइंग ट्रैवल करते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि आपका एक व्यक्ति का जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो आपका दोस्तों 1000 से 1500 रुपए आएगा और आप अच्छे तरीके से पूरे नासिक को घूम लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके नासिक में होने वाले खर्चे की जिक्र किया है, जिसमें आपका होटल अकोमोडेशन, खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और वहां पे जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होंगे उसकी मैंने जिक्र किया है। तो मान के चलिए कि आपका 1000 से 1500 रुपए एक व्यक्ति का लगेगा और आप नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप संपूर्ण दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। विश सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।